देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के चलते अब प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर को विकसित करने के लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। इन सरोवरों में पूरे साल पानी की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी और किनारों पर नीम, पीपल, कटहल, जामुन, बरगद, सहजन, महुआ आदि के पौधे लगाए जाएंगे। इन सरोवर का भूमि पूजन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वरिष्ठ नागरिकों से कराया जाएगा। इसके अलावा सीवेज पानी तालाबों तक ना पहुंचे, इसकी व्यवस्था भी की जाएगी। सरोवर का रकबा कम से कम 1 एकड़ का रखा जाएगा। इसके साथ ही तालाबों के किनारे टहलने के लिए रास्ता और तिरंगा झंडे की भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही तालाबों में गहराई तक सीढ़ियों का निर्माण भी कराया जाएगा। इसमें बड़ी बात यह है कि अमृत सरोवर की विकसित करने का काम 15 अगस्त 2022 तक पूर्ण करना होगा। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर अमृत सरोवर योजना के तहत जिले के 75 तालाबों को दोबारा जीवित कर उनमें कई तरह के विकास कार्य कराए जाएंगे, जैसे पूरे साल पानी भरा रहना, चारों तरफ चलने के लिए रास्ते बनाए जाएंगे और पेड़ लगाए जाएंगे। अमृत सरोवर को इस तरह विकसित किया जाएगा जहां 15 अगस्त और 26 जनवरी पर उसमें राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक जिला पंचायत को 5-5 तालाब बनाने हैं, वहीं ब्लॉक को कम से कम 3-3 तालाब बनाने हैं। इसकी तैयारी को लेकर कार्य योजना और एस्टीमेट बनाए जा रहे हैं। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत क्योंकि इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जनपद में 75 तालाब को हम लोग पुनर्जीवित करके उसमें सारे तरीके के विकास कार्य कराए जाएंगे, जिसमें उसमें साल भर पानी रहेगा, उसके चारों तरफ वॉकिंग पाथ रहेगा, इसमें चारों तरफ वृक्ष लगाए जाएंगे और इसमें एक जगह ऐसी व्यवस्था भी की जाएगी कि 15 अगस्त को वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जा सके। इसके लिए हम लोगों ने सूची तैयार कर ली है, उन सभी तालाबों का सर्वे हो गया है जो बनने हैं। इसमें योजना ये है कि जिला पंचायत को 5 तालाब बनाने हैं तथा प्रत्येक ब्लॉक को 3-3 कम से कम तालाब बनाने हैं। तो जनपद में हमने 75 जो तालाब हम लोग अमृत सरोवर के रूप में विकसित करेंगे वो चिन्हित कर लिए हैं। इसकी साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है। जो तालाब चिन्हित किए गए हैं उस पर कार्य करने की पूरी कार्य योजना, एक जो एस्टीमेट होता है वो बनाया जा रहा है और एस्टीमेट बना के उसमें नियमानुसार जो भी कार्रवाई है उसको करते हुए शीघ्र ही हम लोग इस पे काम कराएंगे और अमृत सरोवर का काम 15 अगस्त के पूर्व चूँकि कंप्लीट होना है तो युद्ध स्तर पे काम होगा और जनपद में इस योजना को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग